वायलेशंस है। देखो इन्फोर्समेंट तो होगी उस पर, लगातार एक सस्टेंड तरीके से इस पर ड्राइव जारी की, आज शुरू की है, और इसमें ट्रैफिक पुलिस, इसमें SMC और SDA रेवेन्यू अथॉरिटी, सभी लोगों ने मिलकर इसमें एक ड्राइव शुरू की है, और कंसर्न जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो इस ड्राइव को लगातार जारी रखा जाएगा, और हम ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी शख्स एम्बुलेंस की मूवमेंट को ब्लॉक ना करें। जब बटमालू में जाम लगता है तो 1 किलोमीटर पीछे, 500 मीटर पीछे ज़रूर कोई ना कोई एम्बुलेंस होती है। तो हर गाड़ी चलाने वाला अगर अपने जहन में ये रखेगा कि हमें किसी अस्पताल में जाते हुए दम तोड़ते हुए मरीज़ को जगह देनी है, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुँचाना है, तो मुझे लगता है कि अगर इतना ही सेंस हम रखेंगे हम सभी मिलकर, तो ट्रैफिक जाम नहीं लगेंगे। सर, अगर देखा जाए यहाँ पर रामबाग में भी इसी तरह की सिचुएशन होती है, काफ़ी ज़्यादा कंजक्शन रहता है सुबह और शाम, वहाँ पर हमने देखा है कि एम्बुलेंस जो है वो भी ट्रैफिक में फंस जाती है, तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक इंतजाम उठाने की ज़रूरत नहीं है सर? देखिए, बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको ये बता दूँ। आप जहांगीर चौक की एग्ज़ाम्पल ले लें, जो शॉप से शॉपकीपर्स जो हैं उनकी गाड़ियाँ दुकानों के आगे लगी होती हैं, जबकि जहांगीर चौक के पास आप अदर साइड देखें, वहाँ पर पार्किंग स्पेस डेजिग्नेटेड है, उसको छोड़कर पूरा दिन दुकानों के आगे गाड़ियाँ लगाकर एक तो उनका बिजनेस सफ़र होता है और एक पूरा शहर सफ़र होता है उसका। तो मुझे लगता है कि थोड़ी कड़वी गोली हम सबको खानी पड़ेगी। पार्किंग स्पेस जहाँ है वहाँ गाड़ी लगा के हम, अगर हमें 5 मिनट पैदल भी चलना पड़े उसमें कोई हर्ज नहीं है, सेहत के लिए अच्छा है। 10 मिनट भी पैदल चलकर अगर पार्किंग स्पेस में हम गाड़ी लगाकर 10 मिनट पैदल चल के आएँ, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, पूरे शहर की सेहत के लिए अच्छा है।